मोड्यूल फाइव पॉजिटिव वर्सिज नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स जब हम स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इस स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं अंडर दी सब हेडिंग ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जब हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट इज अबाउट वट इज एंड वट वुड हैपन इट बेसिकली डिस्क्राइब द सिचुएशन एज इट इज इट बेसिकली एक्सप्लेन वट इज वट वट विल कि अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक वो ही बेसिकली एक्सप्लेन काज एंड एफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इकोमिक फिनमिना एंड इट डील्स विद एक्चुअल रियलिस्टिक सिचुएशन दैट कैन बी वेरीफाइड यूजिंग डेटा अब ऑन द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर कैन बी एक्सप्लेन आर प्रोडिक्टेड अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक जब हम पॉलिसी मेकर के रेफरेंस में बात करें तो इट माइट बी पॉसिबल आ पॉलिसी मेकर इज इंटरेस्टेड कि इज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कट ऑन कंज्यूमर वट इज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कट ऑन प्रोड्यूसर तो अंडर पॉजिटिव कट आर ऑन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर आर ऑन सप्लाई ऑफ प्रोड्यूसर फिर इसी पैटर्न पे अगर बेवरेज पे कुछ टैक्स लगा दिया जाए तो टू टू वट एक्सटेंड इट है कि जी अगर आप एक हाई टैक्स इंपोज करोगे तो हम कह सकते हैं कि डेटा हमें कुछ इस तरह की बातें रिवील कर रहा हो कि बाई इम्पोजिंग जब हम एक्चुअल फिनोमिना को एक्चुअल सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगे तो डेट डिस्क्रिप्शन इज अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के मैं बात करूं कि जी पाकिस्तान जी डी पी इन करंट फिजिकल इज इक्वल टू दिस नंबर ये कह दिस इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन करंट इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान

एथिक्स और ये डील करता है आपकी बड़ी सिचुएशन को और इसको हम यूज कह लें इट नॉट बी वेरीफाइड करूं देट आर अवेलेबल टू अ पॉलिसी मेकर अब उन डिफरेंट अल्टर में से पॉलिसी मेकर किस अल्टरनेटिव को चूज करे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द प्रोड्यूसर एंड Consumer, कि अब उन डिफरेंट अल्टर में से अब पॉलिसी मेकर जो भी चूज करेगा प्रोड्यूसर एंड सरप्लस तो ये कहा माइक्रो लेवल पे बात करूं तो देयर इज देयर इज अ कैनिंग प्लांट जो आप कह लें कि क्या आपकी वेजिटेबल्स को स्टोर कर रहा है

कि जी पाकिस्तान में बड़ा हाई इन्फ्लेशन है क्या होना चाहिए एज अ पॉलिसी मेकर इट माइट बी पॉसिबल हम पॉलिसी फॉर्मुलेट करें देर शुड बी देर शुड नॉट बी हाई इन्फ्लेशन हाँ जी पाकिस्तान में बड़ा हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस इन द इकोनोमी ऑफ पाकिस्तान अब ये जो शुड है या एक मोड है वो कहां पे आएगा दैट इज अंडर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स

वो जब हम उन फैक्टर्स को लिस्ट करेंगे दैट इज अंडर दी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और फिर इसी पेड मैं कहूं रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज ट्वेंटी अगर मैं यहां पे बात करू वट इज फेयर प्राइस राइज के प्र, कितना फेयर प्राइस राइज होना चाहिए जी फाइव परसेंट होना चाहिए वन परसेंट होना चाहिए थ्री परसेंट होना चाहिए तो ये क्या है दैट इज दी अंडर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर मैं एक स्टेटमेंट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन शुड नॉट बी मोर देन फाइव परसेंट यह भी कहां पे आएगा अंडर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्यों नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली रेफर्स टू वट शुड बी एंड वट आर टू बी लेकिन जब आप पॉजिटिव की बात करोगे इट डिस्क्राइब्स एक्चुअल सिचुएशन एज इट इज